हेलो बच्चों, नमस्कार। 0.017 का वर्गमूल कितना होता है अभी हम देखेंगे। वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आप इस वीडियो को ध्यान से देखें। वर्गमूल को हम कैसे लिखते हैं बच्चों? अंडर रूट के द्वारा लिखते हैं, ये आप जानते हैं। यहाँ पर हम भाग विधि काम में लेंगे, यानी डिवीजन मेथड। इस विधि में करना क्या है, देखिए बिल्कुल सिंपल है। ये जो पॉइंट है, पॉइंट के इस दिशा में आगे बढ़ना है, पॉइंट से दूर जाना है। यदि इस तरफ जाना होता तो क्या जाते, इस दिशा में आगे बढ़ते होते। यहाँ जा रहे हैं तो ऐसे पॉइंट से दूर जाना है, ठीक है। दो अंक आगे, दो अंक नहीं बन रहा है तो हम 0 लिख सकते हैं। पॉइंट के बाद किसी भी संख्या के साथ कितने भी ऐसे 0 0 लिखे जा सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ कितना बन रहा है, 0 1। 0 1 के लिए क्या लिया हमने, 1 × 1। अब आगे के अंक काम लेने के लिए पहले इस पॉइंट को हटाते हैं, तो पॉइंट आपका यहाँ ऊपर आ गया, ठीक है। 1 × 1 कितना होता है, पॉइंट नहीं है, यहाँ लिखेंगे 1 1 और ऊपर लिख देंगे। इसको जोड़ना है, इसको घटाना है, एक में से एक गया, कुछ नहीं आ गया। ऊपर से 2 अंक यहाँ नीचे लेके आ गए। अब इसके साथ कौन सी संख्या लें, उसी का गुणा करें कि आपका 70 से बढ़ाना है। लगाओ दिमाग, 3 लिया, 3 का गुणा किया, किसको लिया, 3 को, फिर इसको घटा दिया, 1 आ गया। ऊपर से 2 अंक फिर यहाँ नीचे ले आया, इसको मैं जोड़ दिया, कितना आ रहा है आपका। अब इसके साथ 1 लेते हैं, 1 का गुणा करते हैं तो भी इससे बड़ा आ रहा है। ऐसी स्थिति में 0 लेते हैं, 0 का गुणा करते हैं, कितना आ गया, 0। किसको लिया, 0 को, तो यहाँ लिख देंगे। फिर ये सिलसिला इस प्रकार से आपका आगे चलता रहेगा, ठीक है। ओके, कोई दिक्कत नहीं। ये आपका आंसर कितना आ रहा है, 0.130। अगले वीडियो में जल्दी फिर मिलते हैं। सुरेंद्र के लिए यूट्यूब पर सर्च करें और हमारे अन्य वीडियो देखें।